मदरसा जाहिद अली शाह सोसाइटी द्वारा चार हाफिज को दस्तारबंदी किया गया। मदरसा मिश्राना मड़िया महू तीन हाफिज, मदरसा सायरा बेगम्बास देवपट्टी एक हाफिज। आपको बताते चलें कि मड़िया महू हजरत मौलाना तौफीक अहमद साहब लाल दरवाज़ा जौनपुर की सदारत में और जनाब फतेह मोहम्मद शाह साहब की जानिब से दस्तारबंदी को हाफिज किया गया, जिसमें हजरत मौलाना आसिफ कासमी के हाथों द्वारा चार हाफिज कुरान मुकम्मल होने पर तोहफा के तौर में कुरान पाक कपड़ा टोपी तस्वी साइकिल स्वागत में दिया गया, जिससे और बच्चे को उत्साह मिले। हाफिज कुरान पाक मुकम्मल होने का इस प्रकार नाम हाफिज मोहम्मद उसामा हाफिज मोहम्मद शाहबाज हाफिज मोहम्मद सोहेल गया तथा मड़िया मऊ के सभी 51 हाफिज को कुरान पाक कपड़ा टोपी तस्वी से नवाजा गया। यह मदरसा विगत 20 वर्षों से चला आ रहा है। सोईथा मिश्राना गोपालापुर भावपुर, जिसमें कमाल अख्तर फारूकी समाजसेवी बाबू मोटर, समाजसेवी मेराज, टीवीएस डॉक्टर आलम, डॉक्टर वकार शिवरा खान, फसादू असलम, रहीना हाजी अनवर, ताज मार्बल, पप्पू खान लुकमान असलम, टेंट हाउस आदि हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं मौलाना तौफीक साहब की उन्हीं की ज़ुबानी। कहा मड़िया महू नगर वासियों को जौनपुर मड़िया महू वंदे भारत न्यूज़ के लिए मड़िया महू से शादाब अंसारी की रिपोर्ट। शादाब, वंदे भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार शादाब अंसारी, मैं इस समय मड़िया हूँ नगर खंडैया टोला स्थित पाही पर यहाँ पर मौजूद हूँ। आज यहाँ पर दस्तारबंदी का कार्यक्रम किया गया है और जैसा कि मौलाना तौफीक से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि दस्तारबंदी का क्या उद्देश्य है। वंदे भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आदाब, वंदे भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार शादाब अंसारी, मैं इस समय मड़िया हूँ नगर खंडैया टोला स्थित पाही पर यहाँ पर मौजूद हूँ। आज यहाँ पर दस्तारबंदी का कार्यक्रम किया गया है और जैसा कि मौलाना तौफीक से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि दस्तारबंदी का क्या उद्देश्य है। वंदे भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज दस्तारबंदी का मतलब क्या होगा? दस्तारबंदी का मतलब ये होता है कि अल्लाह का कलाम जो बच्चे हिफ्ज करते हैं, अपने सीने में महफूज करते हैं, उनका एजाज किया जाता है, उनका इकराम किया जाता है। असल एजाज इकराम तो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत करेंगे। क्यों करेंगे? इसे एक अल्लाह का कलाम है। अल्लाह जिस पैमाने पर इकराम करेगा, एजाज करेगा, पूरी कायनात में कोई एजाज नहीं कर सकता। दुनिया वालों को दिखाने के लिए नमूने के तौर पर हम लोग ये एजाज करके ये दिखाते हैं। इसका मतलब ये है। मेरा नाम तौफीक अहमद कासमी, मैं नाजी हूँ जामिया हुसैनिया लाल दरवाज़ा जौनपुर। मड़ियाओं के जनता को क्या संदेश देंगे आप? यहाँ मड़ियाओं की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इनकी तरक्की नमाज पढ़ने में है, रोज़ा रखने में है और अल्लाह के कलाम को पढ़ने में। अल्लाह के कलाम को छोड़ करके कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं हो सकती। हर मरहले पर, हर मौके पर हमारी ये किताब, ये अल्लाह का कलाम साथ देने वाला है, रहनुमाई करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। यहाँ के कार्यक्रम करने वाली सदारत को आप क्या कहेंगे? कौन लोग जो कार्यक्रम करा रहे हैं उनकी सदारत को आप? हाँ, वो लोग बहुत हमदर्द हैं और अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक बहुत पसंदीदा लोग हैं। अल्लाह जिसको चुनता है, अपना महबूब बंदा बनाता है, अपना करीब करता है, उनको ऐसे बड़े काम का इजाज़त देता है। बस आज कार्यक्रम वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आज इस तरीके से हम लोगों की दृष्टि हुई जो लोग हैं, हमको तालीम देना है, मदरसे को अच्छे से चलाना है, कुछ तोहफा हाफिज बनाना है। अगर हाफिज बन गए तो अपने सब कुछ समझेंगे, इस्लाम के अपने कानून को सिखाने को समझाने को समझेंगे। यार हमारा यही ख्याल है कि बच्चों के लिए बहुत तालीम आता हूँ, तालीम नहीं रहेगा तो बच्चे गुमराह हो जाएंगे। अच्छी कोई बढ़िया जगह मिल जाए, अच्छे से मदरसा चले, हर साल हाथ करते रहे,
हमारा और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, खासतौर से हमारे ईशान भारती साहब हैं, विराज कुमार साहब हैं, हमारे खाली सराफत साहब हैं, ये तमाम लोग जो है मुदर्शी के जो दीपक लोग हैं, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह उन लोगों को हमारी जिले पाइस ली है और बढ़ियाओं में पैदाइश है। मैं चाहता हूँ कि बढ़ियाओं के लोग खुशहाल रहे, आवाम खुशहाल रहे, और यही तो रहने वाला हूँ। मैं पैदाइश नहीं की है, काफ़ी दिनों से मुंबई में रहता हूँ, लेकिन आना जाना और हर लोगों से ताल्लुका दोबारा अंदाज रखने का नहीं बना हूँ। जैसे कि आपका देश में रहते हैं तो मरियाहों में लगाव कितना है आपका? हमें मरियाहों में पूरा लगाव है, मरियाहों से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारी पैदाइश नहीं की है, हम बचपन से बड़े छोटे यहाँ हुए थे, बड़े हो गए, लेकिन हमारे लगाव यहाँ पर, हमारे ताल्लुकात इसी तरीके से हैं, हमारे लगाव बने हुए हैं, इस तरीके से लगा के। जैसा कि मौलाना साहब, आपकी मदरसा और मस्जिद कहाँ पर स्थित है ये बताइए हमें। Thank you.